ऐसे अभी जस्ट निकला हूँ मैं अपने घर से और आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे डायरीज जस्ट फॉर ए रीजन, वो आपको मैं वहाँ जाने के बाद ही बताऊंगा कि क्या रीजन है क्यों मैं हाईवे डायरीज जा रहा हूँ सडनली एक प्लान बना करके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी इज फाइन। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम क्विक अपडेट्स के लिए। यार हाईवे डायरीज पीछे तो नहीं रह गया यार, मैं भगाता भगाता है ना पता भी नहीं चला स्पीड में कि हाईवे डायरीज पीछे चला गया। फिर मुझे लगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा आगे आ गया। और आज का टॉपिक है हमारी रेड ब्यूटी जिसका हम लोग करने वाले आज बहुत अच्छा शूट देखते हैं। बहुत अच्छा तो मतलब मैं तो पूरा ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छा करने की, इधर ही करेंगे जस्ट आगे। 2 hours later. तो अभी हमें जो शूट करना था ना वो तो हो गया है कंप्लीट और साहिल भाई भी निकल रहे और मैं भी निकल रहा हूँ। जस्ट मुझे काम से जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ रास्ते में क्या काम है। इसके बाद जस्ट अभी मेरे पास 20 मिनट है ओनली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो रीज़न आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो मैं आया हूँ मंगलम विद्यालय जहाँ पर है मेरे भांजा जो कि पढ़ता है और उसको लेने में आया हूँ। तो यार वो बहुत बार बोलता है कि मामू लेने नहीं आते, तो चलो ठीक है आज उसको लेने आया हूँ मैं। उसको पता नहीं है कि मैं आया हूँ लेने उसको, क्योंकि वो जाते बस से स्कूल। ये 19 लाख हाँ वो फर्स्ट जनरेशन थी, ये उसकी मतलब उसी की थर्ड जनरेशन है, मतलब ये लेटेस्ट वाली है अभी। वो जो थी वो फर्स्ट जो मतलब 2008 तक आती थी वो वाला मॉडल, फिर उसके बाद अभी 2021 तक दूसरा मॉडल आता था, अब ये आने लग गया 2021 से। ये यार 315 जाती है। कितनी स्पीड लगा लेते हैं उसको? ये बातें बताई नहीं जाती। आया बुझाने? हाँ। व्लॉग बनाते हो ना? हाँ। आपने देखा था मैं? आया बुझा है? अच्छा? हाँ? 1350 तब स्पीड? 300 प्लस जाती है यार। 300 प्लस लगाइए। यार सब अपनी जगह अच्छी है यार। या ये आप गलियों में ऐसे चला सकते हो कि मैं नहीं चला सकता इसको। हाँ स्टॉक नहीं है, ठीक है थैंक यू। हाँ मेरा SFJ व्लॉग्स SFJ। तुम भी आओगे वीडियो में? वो जो खड़ा है ना बस पे, हाँ लटक रहा है उसको भेजना। हेलो हेलो यूट्यूब चैनल
हेलो, क्या नाम है? SFG Vlogs. क्या क्या? क्या? SFG Vlogs. SFG, ये लिखा देखो इधर. हाँ हाँ बिल्कुल, इसको लेके जाने दे, आज बैठ गया ना सही से, पकड़ के बैठ जाना. ले लिया, आ जाओगे आप भी. SFG Vlogs, आगे लिखा हुआ है. हाँ चले, इधर सही हो गया रोड. तो अभी मैंने अपने भांजे को पिक कर लिया है, तो वो है ना बस में जाके बैठ गया और मुझे दिखा भी नहीं. और बच्चों का रिएक्शन बड़ा अमेजिंग था. मतलब बच्चे बोल रहे थे कि हमें भी व्लॉग मिलो. ठीक है, ले लिया बच्चों, थैंक यू बोलना मुझे. जस्ट किडिंग. और पिक करके मेरा भांजा इधर ही रहता है, 2 किलोमीटर नियर बाय. तो लास्ट संडे राइड के बाद मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ख़राब, उसके बाद मैं कहीं निकला भी नहीं घर से. तो आज निकला हूँ मैं, चलो उतरो. हाँ और क्या, तेरे को छोड़ने आया था मैं तो स्कूल से बस. ये बाल, हाँ बाल कैसे हो रहे तेरे? ठीक है ना, बढ़िया लगा, मजा आए. फिर उसके बाद अभी जा रहा हूँ मैं घर, गाड़ी को करूँगा क्लीन और करने बैठूँगा एडिटिंग. तो आपको मिलता हूँ सीधा घर पर, और कैसे ये प्रोसेस होता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ एडिटिंग वाला. तो अभी घर पहुँच गया हूँ मैं. जस्ट घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मुझे करना पड़ता है अपना डेटा कॉपी. तो मैं एक यूज़ करता हूँ एक छोटा सा USB कार्ड रीडर. फिर उसके बाद एक हार्ड ड्राइव है मेरे पास, हार्ड ड्राइव में पूरा डेटा कॉपी करता हूँ एक फोल्डर बना करके. तो जैसे ही कॉपी होगा डेटा, उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट करूँगा ऐप में. तो ये फाइनल कट में जाने के बाद प्रोसेस होता है, उसको लगता है करीबन 1 घंटा. तो रिकॉर्डिंग के बाद, मतलब जो भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं GoPro से, उसके बाद जो भी मेरा फाइनल डेटा निकलता है उसको मैंने जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ, वैसा मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे करके मुझे प्रोसेस करना पड़ता है और उसमें इतना टाइम लगता है. और डेली का रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो बाइक वॉश करना तो मैं अवॉइड ही करूँगा बिकॉज सर्दी जुकाम लगा है मुझे. तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इसी के साथ बना रहेगा अपना साथ. तो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में. पहुँच Thank you.